आगरा के थाना जगदीशपुरा निवासी कान्हा ने 7 मार्च की रात को पुलिस को सूचना दी थी कि वह बाहर गया था। वापस आया तो घर में उनकी मां का शव पड़ा मिला। उनकी हत्या कर लूट हुई है। पुलिस ने पूछताछ की तो मामले का खुलासा होता गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि लक्ष्मी देवी शर्मा निवासी थाना जगदीशपुरा के पति की 12 साल पहले मौत हो चुकी है। वह अपने बेटे कान्हा के साथ रह रही थी। लक्ष्मी देवी शर्मा के बेटे कान्हा के एक लड़की से प्रेम संबंध थे। वह उससे शादी करना चाह रहा था। उसकी माँ शादी से मना कर रही थी। इसके चलते कान्हा ने अपनी माँ की हत्या करने की साजिश रची। कान्हा ने अपनी माँ के मुँह को तकिए से दबा दिया, इससे उसकी मौत हो गयी। शव को बेड पर डालकर चला गया। रात को लौटकर आया और पुलिस को सूचना दी, जिससे शक ना हो। पुलिस ने कान्हा को अरेस्ट कर लिया और जानकारी में ये भी आया कान्हा ने इस हत्या में अपनी प्रेमिका का सहारा भी लिया था। हत्या का आरोपी कान्हा के मुताबिक उसकी प्रेमिका घर से भागने का दबाव डाल रही थी। इसी को लेकर कान्हा ने अपनी माँ से पैसों की मांग की। इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके चलते कान्हा और उसकी प्रेमिका ने बुजुर्ग लक्ष्मी देवी की गला घोटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आया कान्हा अब अफसोस और पछतावा कर रहा है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। टीम भारती न्यूज। सर, मैं घर से पैसे ले रहा था, लड़की का फोन आया था कि मेरे को भागना है, तो हम दोनों मैं भागने की तैयारी थी। तो मैं सर पैसे ले रहा था घर से, तो मम्मी ने मुझे देख लिया, तो मैं भागा तो एकदम उनके धक्का लगा, तो उनके सर आँख पे चोट आई, वो सर गिर गई। गिर गई तो सर उनके कान में से कुतरा हुआ तो खून निकलने के बाद, तो फिर मैंने उनको बेड पे उठा के लेटाया, तो वो मेरे से सब चैंट रही थी। तो सर फिर उनका सर गला था। क्या क्या चैट रही? वो जो कह रही थी, तू इनको ले, तू इसके लिए, तू इसके पीछे भाग रहा है, तू मेरी तरफ नहीं देख रहा है, तू इसको लेके भाग रहा है, बहुत सही नहीं है लड़की, वो मेरी कसम खा रही थी। वो जो कह रही थी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, तूने मेरी कसम खाई थी। क्या हुआ फिर? वो सर उनकी चोट लग गई थी, मैंने बताया था गिर गई, तो सर सर वो चैट रही थी मेरे से, तो सर उनका गला था। अब अफसोस है माँ की? सर बहुत अफसोस है सर, मुझे सर बहुत अफसोस है। अभी लड़की के साथ रहेगा? सर मैं उसको नहीं रखना चाहता सर। सर मैं और मेरी मम्मी थे सर, पिताजी सर एक्सपायर हो गए थे पहले। सर मैं अकेला रह गया सर। कितने पैसे चुरा रहा था? कितने पैसे चुराए? सर मैं सर अभी चुरा नहीं रहा था सर, मैं ताले में वो मारा था सर मैंने, लेकिन ताला टूटा नहीं था। इतने मम्मी रात को? नहीं सर दिन में। कहाँ जाने की तैयारी थी? सर मैं भागता सर इसके साथ में, आर्य समाज मंदिर कर लिया था मैंने, इसके साथ में शादी करी थी आर्य समाज में। अब अफसोस है सर? अफसोस है मुझे। देखिए, 3 दिन पहले हम लोगों को रात को एक सूचना मिली थी पीआरवी के माध्यम से कि एक महिला की, जिसका नाम लक्ष्मी देवी शर्मा है, उसकी डेड बॉडी उन्हीं के घर में पड़ी हुई है। और जब हम लोग मौके पे पहुंचे थे तो महिला के कान में से खून निकल रहा था और वो मृत अवस्था में अपने बेड पे पड़ी हुई थी। वो एक अपने बेटे के साथ रहती, अकेला बेटा है उसका, शिवम शर्मा उसका नाम है। उसका एक बगल में रहने वाली रानी शर्मा नाम की एक लड़की के साथ उसका अफेयर था। पता ये भी चला है कि आर्य समाज के मंदिर में जाके उन्होंने शादी भी की थी, परंतु लड़के की जो माँ है वो शादी के विरोध में रहती थी और आए दिन माँ में और बेटे में झगड़ा होता था। इसी झगड़े को लेके उस दिन भी झगड़ा हुआ था जिस दिन इनकी हत्या की गई, और बेटे ने आक्रोश में आके माता का गला दबा दिया, उसके मुँह पर कुछ ढक के तकिए से उसका मुँह दबा दिया और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को, पुलिस को, आसपास के लोगों से पता चली थी कि इन माता और बेटे का झगड़ा अक्सर होता था और वो माताजी को धमकी भी देता था कि मैं आपकी हत्या कर दूंगा अगर आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे इनके साथ शादी करने के लिए। उसी में उसकी हत्या हो गई और इसी प्रकार से घटना का खुलासा भी हो गया। कोई बाहरी लोग इसमें शामिल थे? देखिए, लड़का और लड़की शिवम शर्मा और रानी शर्मा दोनों इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं, दोनों की मिलीभगत से मर्डर हुआ। देखिए, प्रार्थना पत्र उन्होंने कभी दिया नहीं था, क्योंकि बेटे के साथ बेटे का जो मामला होता है तो अक्सर घर वाले नज़रअंदाज कर देते हैं उस चीज़ को, और उसी में इनकी हत्या हो गई।